इधर देख के आइए, अजान कह बजे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह व आलिही आलिल्लाह व लअनु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह अम्मा बादु। فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وحرصا في علم नहीं हो पाया। बहुत खैंचतान करके जो पहुंचे तो आज 46वीं सिफत तक पहुंचे हैं मौला की, जबकि मुत्तकीन के सिफात अमीर المؤمنين ने 110 बयान किए हैं। पहली रमज़ान से शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और आज आखिर रमज़ान है, 46 तक पहुँचे हैं। लेकिन अजीब है कि इस आखिरी तकरीर जहाँ पहुँचे हैं वो अजीब फिक्र कि इमाम फरमाते हैं मुत्तकियों के सिलसिले में, अब तक तो सुन चुके आप कि वो रातों को बेदार होते हैं तो दिन में किस तरह हलीम होते हैं तो बुरदवार होते हैं, सब 46वीं सिफत फरमाया है और सन फी इल्म मुत्तकी इल्म का लालची हरीस होता है, हिर्स। अगर देखा जाए तो हमारे समाज में हमारे मुआशरे में हिर्स कोई बहुत अच्छी चीज नहीं समझी जाती, और कुरान ने भी जो है वो हिर्स को बहुत अच्छा नहीं समझा है। चुनांचे इरशाद होता है वलतजदन्नहुम अहरसन नास अला हयात, अलबत्ता सवाल इस बात का है कि हिर्स किस चीज की हो। अगर जिंदगानी दुनिया की हिर्स है, अगर माल दुनिया की हिर्स है, अगर दौलत दुनिया की हिर्स है तो वो बुरी चीज है। उसके मुकाबले में लफ्ज आता है कनाअत, उसकी बड़ी तारीफ की गई है, उसके बड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं कि कद अज़्ज़ा मन कना व ज़ल्ला मन तमा, इज्जत उसे मिली जिसने कनाअत की, व ज़ल्ला मन तमा, जलील और रुस्वा वो हुआ जिसने तमा की और लालच की। तो हिर्स, मगर हर जगह हिर्स जो है वो बुरी नहीं है, हर जगह हिर्स बुरी चीज नहीं है। वही कुरान पैगंबर की सिफात में इरशाद फरमा रहा है कि पैगंबर हरीस है। कहां इरशाद हुआ, लकद जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम, कि ये पैगंबर हरीस है तुम्हारा। सवाल इस बात का, पैगंबर हरीस है किस बात के? हमारे काहे के हरीस है? हमारे माल के, हमारी दौलत के, हमारे सरवत के, हमारे बागात के, काहे के हरीस है? तो वो तो पहले ही पैगंबर ने फरमा दिया था कि अगर जनाब अबू तालिब से चचा इनसे कह दीजिए कि अगर एक हाथ पर चांद रख दें और एक हाथ पर सूरज रख दें तो मैं तबलीग दीन से बाज नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब पैगंबर को किसी चीज की लालच और हिर्स नहीं, काहे की हिर्स है? हिदायत की। कुरान मजीद ने इसको तारीफ के तौर पर रखा है, हरीसुन अलैकुम, ये पैगंबर तुम्हारा हरीस है, तुम्हारा लालची है। काहे का हरीस है? ताकि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ, और जब हिदायत याफ्ता हो जाओगे तो क्या होगा? बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। इसी आयत का अगला फक्र है हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। ये खुद बता रहा है कि जब तक मोमिन नहीं है तब तक पैगंबर हरीस है कि मोमिन हो जाए, और जब मोमिन हो गए तो कुरान कहता है अब रऊफ है और रहीम है पैगंबर तुम्हारा। तो हिर्स कहने का खुलासा मतलब ये कि कुरान मजीद के रूह से हिर्स बुरी भी है, हिर्स अच्छी भी है। माल दुनिया की लालच, माल दुनिया की जो है हिर्स, ये बुरी चीज है, लेकिन हिदायत की लालच, इल्म की लालच, तकवे की हिर्स, ये अच्छी चीज है जो पैगंबर के अंदर भी पाई जा रही थी। चुनांचे अब हिर्स जो है वो, इसको आप देखिए कि इमाम ने फरमाया कि वही हिर्स मुत्तकी के अंदर किस सूरत में आती है, हिरसन फी इल्म। मुत्तकी हरीस होता है माल दुनिया का नहीं, इख्तदार का नहीं, मुत्तकी हरीस होता है इल्म का। और इस कुरान मजीद आप दीन से भी देखेंगे, दीन ने न उम्र की कैद लगाई है, न जगह की कैद लगाई है, न उस्ताद की कैद लगाई है। अगरचे
काश बुजुर्गों का यह नजरिया है कि उस्ताद तय करने से पहले उसको परख लो खूब, उसको जांच लो खूब, कितना मुद्दती है, कितना परहेजगार है, कितना उसके अंदर तकवा है, इसलिए उसका असर पड़ता है। मगर अगर यूं देखा जाए अहादीस पैगंबर के एतबार से तो इल्म के लिए न जगह महदूद की गई है, न वक्त महदूद किया गया है, न उस्ताद महदूद किया गया। तीनों सिलसिले में हदीस मौजूद है। वक्त के जो है वो तय्यन नहीं किया गया, इरशाद हुआ उतलबु अल-इल्म मिन अल-महद इला अल-लहद, इल्म हासिल करो गहवारे से लेके लहद तक, मौत तक, कब्र तक। तो जाहिर सी बात है कि आदमी के लिए वक्त खत्म नहीं हुआ कि अब तो मेरी जॉब हो गई, अब पढ़ने की क्या जरूरत है, अब तो मेरा ये काम हो गया, अब पढ़ने की क्या जरूरत है। वो तो शब कदर भी गुजरी है ना, किस कदर फजाइल है शब कदर के, खैर मिन अल्फ शहर, हजार महीनों से बेहतर है। आप मफातीम आमाल शब कदर पढ़िए, जो उलमा ने हमारे लिखे, ये पढ़ो तो ये पढ़ो तो ये सूरह पढ़ो तो ये पढ़ो तो सौ रकअत नमाज पढ़ो, सब बयान करने के बाद फरमाते हैं कि अगर इस रात को जो है वो इल्मी मुजाकरे में गुजारे तो सबसे अफजल है। मैंने कहा आज बड़े मौके से ये एक महीने का खुलासा इमाम अलैहिस्सलाम के उसका अर्ज कर रहा हूं कि हजरत की ख्वाहिश क्या है कि जो हमारे चाहने वाले हैं, इसलिए कि इमाम किसके हैं, वो अमीर तो सबके हैं, इसलिए कि अमीर और मोमिनीन है, लेकिन इमाम खलीफा सबके, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीर और मोमिनीन है, लेकिन इमाम इमाम मुत्तकी, इमाम मुत्तकियों के। तो मुत्तकी को क्या ऐसा होना चाहिए, 46वीं सफ़त इमाम ने फरमाई है, हरसन फी इल्म, लालची है, हरीस है, यानी इससे सुपरलेटिव डिग्री शायद जो है वो लालच के सिलसिले में नहीं हो सकती थी कि हरसन फी इल्म, आदमी हरीस है। हरीस का लफ्ज़ कितना हमारे समाज में बुरा समझा था, यानी इसका मतलब कि आदमी सब कुछ छोड़ करके बस उसी के पीछे पड़ जाता है, ये मतलब हुआ ना हरीस का। इमाम फरमाते हैं मुत्तकी इल्म के लिए हरीस है, इल्म के लिए दीन ने ना उम्र की कैद लगाई है, ना जमाने की कैद लगाई है, ना जगह की कैद लगाई है। चुनांचे इरशाद हुआ उतलबु अल-इल्म मिन अल-महद इला अल-लहद, कोई वक्त की तय्यन नहीं है, शादी हो गई है, पोते हो गए हैं, पोतियां हो गई हैं, दादा है, रिटायर है, और अच्छा है, फुर्सत है, पढ़ो बैठ कर। मकान की कैद नहीं है, जहां इल्म मिले जाओ हासिल करो। चुनांचे मशहूर हदीस है उतलबु अल-इल्म वलो बिस-सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन में, चीन जाना पड़े चीन जाओ इल्म हासिल करो। अल्लाहु अकबर। अल-हिकमतु बालतुल मुमिन, मैंने कहा ना कि ना उम्र की तय कैद लगाई है कुरान ने, वो दीन ने, ना जगह की कैद है, ना उस्ताद की कैद है, जहां मिले इल्म हासिल करो। अल-हिकमतु बालतुल मुमिन, हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज है। हिकमत किसके पास होना चाहिए, इल्म किसके पास होना चाहिए, बालतुल मोमिन, ये मोमिन की खोया हुआ असासा है, अखदहा हैथ वजदा, जहां मिलता है मोमिन इसको हासिल करता है। चुनांचे इल्म की अजमत के सिलसिले में मैं आपके खिदमत में एक रिवायत दर्ज करूं, अजीब है, फरमाते लो यालम الناس ما في طلب العلم, लोगों को पता नहीं है कि इल्म के फवाइल क्या है, इल्म की हैसियत क्या है, वरना जैसे छोटी छोटी चीजों के लिए खोरेजी करते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं जायदाद के लिए, मकान के लिए, अगर इल्म की अजमत का अंदाजा हो जाए तो खून दिल बहा के हासिल करेंगे, अपना खून जिगर बहा के अगर हासिल होगा तो हासिल करेंगे, समंदरों की तहों में डुबकी लगा के अगर हासिल हो सकता होगा तो हासिल करते, अगर इनको पता होता इल्म की अजमत क्या है। फरमाते हैं लो यालम الناس ما في طلب العلم, अगर लोगों को पता चल जाता कि तलब इल्म क्या है, लतलबू, तो वो जरूर हासिल करते, वलो बिसफकिल मुहज, चाहे खून दिल के जरिए ही बहा के ही क्यों ना होता, وخوض اللجاج, समंदरों की तहों में गोता लगाने के जरिए ही क्यों ना हासिल होता, वो हासिल करते। चुनांचे ये तो हुआ अजमत। अगर कोई इंसान उम्र की कैद नहीं, जमाने की कैद नहीं, जगह की कैद नहीं, उस्ताद की कैद नहीं, ठीक,
अगर कोई शख्स जो है वो दूर जाता है, अगर कोई शख्स सफर इख्तियार करता है, अगर कोई शख्स इल्म हासिल करने के लिए कोशिश करता है, बताओ उसका सवाब क्या है। एक रिवायत पहले मैं आपको आज सुना दूं। यहां जो बैठे हैं आपका इसमें ग्रामी मोहसिन साहब, आपके नीचे क्या है? कारपेट। कारपेट के नीचे क्या है? आपके और कारपेट के बीच क्या है? नहीं मालूम। रिवायत बताती है, हम नहीं देखते, आप नहीं देखते, आपके और कारपेट के बीच सदफ साहब है। क्या है? का अगर कहीं जिक्र अहले बैत होता है, फरिश्ते आते हैं और इनके नीचे अपना पैर बिछाते हैं। सुना? उसके बाद जब वापस जाते हैं तो मजलिस में तबर्रुक आमतौर पर बढ़ता है, तो आपको तो मिल गया, उनको क्या मिलेगा? रिवायत कहती जब वापस जाते हैं तो उनके जिस्म से अजीब तरह की खुशबू आती है। वो जो फरिश्ते होते हैं वो कहते हैं कि कहाँ थे यार, कहाँ से आ रहा, बड़ी जबरदस्त खुशबू है। उन्होंने कहा साहब जा रहे थे, एक जगह देखा मजलिस हो रही थी, जिक्र अहले बैत हो रहा था, हम वहां चले गए। ये इत्र जिक्र अहले बैत का है। वो फरिश्ते कहेंगे जो नहीं आ पाए थे कि यार चलो बताओ कहाँ, और हम भी चलेंगे। लगे खत्म हो गई, चांद हो गया, ईद का किस्सा खत्म हुआ, पब्लिक अपने अपने घर चली गई। कहते हैं कि यार वो जगह तो होगी, अभी यार भाई आप पकड़िएगा नहीं, मेरी जबान की, मेरी जबान है, फरिश्तों की जबान नहीं है। वो जगह तो होगी जहां हो रहा था तस्करा। रिवायत कहती वो आते हैं उस जगह के ऊपर जहां से आप उठ के जाएंगे, तबर्रुकन अपने पैरों को मस करते हैं। इसी तरीके की रिवायत इंशाल्लाह अगर खुदा ने तौफीक दी तो तालिबे इल्म के लिए भी है। अज़मत इल्म क्या है, पहले यह हदीस सुन लीजिए, इसी में आ जाएगा इंशाल्लाह। फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक सलाहुल्लाह अलैह, मन सलक तरीकन यतलुबु फीह इल्मन, अगर कोई रास्ता तय करे ऐसा कि जिसमें इल्म हासिल करना, अगर कोई इल्म के रास्ते पर चलता है तो सलक अल्लाह बिही तरीकन इलल जन्नत, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता तैयार कर देता है, हमवार कर देता है, बना देता है। वह अन्नल मलाइका, वो रिवायत हमने कहां सुनाई थी, मजलिस के लिए ना, जिक्र अहले बैत के लिए। अब यहां रिवायत, वह अन्नल मलाइका लतदउ अजनहतहा, फरिश्ते अपने परों को रखते हैं किसके नीचे, लतालिब इल्म, तालिबे इल्म के नीचे। वादा शुद हो सकता है कि उस रिवायत का मतलब यही हो कि आदमी जो मजलिस जिक्र अहले बैत में आता है वो भी तो इल्मी होता है। मदीनतुल इल्म का तस्करा हो रहा है, बाबे मदीनतुल इल्म का तस्करा रहा, वो भी तो इल्मी है। लतदउ अजनहतहा लतालिबे इल्म, फरिश्ते आते हैं जहां मुज़ाकरे इल्म होता है वहां अपने परों को बिछाते हैं, कहां, तालिबे इल्म के नीचे, रज़न बे। अब ये रज़न बे में उलमा में गुफ्तगु है उसकी खुशनूदी के लिए, ये उसकी का क्या मतलब हुआ, लफ्जी तर्जमा का रज़न बे, जहां कोई भी जो इल्म के लिए सफर करता है अल्लाह उसके लिए रास्ता हमवार करता है जन्नत का, फरिश्ते जो है वो तालिबे इल्म के नीचे पर बिछा देते हैं उसकी खुशनूदी के लिए। किसकी खुशनूदी के लिए? बस कहते हैं हो सकता है रज़न बे का मतलब रज़न बिल्लाह, अल्लाह की खुशनूदी के लिए। बस कहते हैं नहीं, मुमकिन है उसकी खुशनूदी का मतलब कि जो इंसान इल्म हासिल कर रहा है खलूस नीयत के साथ वो इतना बुलंद है कि फरिश्ते उसकी खुशनूदी चाहते हैं। रवन बे, रवन बे का मतलब यानी उस तालिबे इल्म की खुशनूदी के लिए अपने परों को उसके नीचे बिछा देते हैं। रवन बे वह इन्नहु लयस्तगफिरु लितालिबिल इल्म, और इस्तिग़फ़ार करते हैं, तलब मग़फ़िरत करते हैं तालिबे इल्म के लिए। मैंने कहा तालिबे इल्म का मतलब यह नहीं कि जिसका एडमिशन है, जो बस्ता टांग करके पिश्त पर मदरसे जा रहा है या स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, कोई ना वक्त मुअय्यन है, ना उम्र मुअय्यन है, ना जगह मुअय्यन है, ना उस्ताद, रिटायरमेंट आदमी है, घर में लेटा किताब पढ़ रहा है, इल्म हासिल कर रहा है, तलब इल्म कर रहा है। तो जो भी तालिबे इल्म है
روایت امام کیا فرماتے ہیں، انہ لا یستغفر لطالب العلم، علم حاصل کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں کون؟ من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمان میں مخلوقات ہے، جو کچھ زمین میں مخلوقات، ساری مخلوقات مل کے استغفار کرتی ہے، کس کے لیے؟ طالب علم کے لیے. ایک وقت اپنا طے کریں، امیر المومنین چاہتے ہیں ہمارا شیعہ ایسا، جب سے آتے ہو نہیں وقت ملتا، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، کوئی تاریخ کی کتاب، کوئی امام معصوم سلام اللہ علیہ کہ حیات زندگی کتاب، کچھ علم کتاب پڑھو، علم حاصل کرو. مغفرت فقط نماز روزے میں نہیں ہے، مغفرت طلب علم میں ہے. اور روایت بھی کہتی ہے کہ نوم العالم افضل من شخوص الجاہل، عالم کا سونا جاہل کی جاگ کے عبادت سے بہتر ہے. تو اگر تھوڑا سا ہمارے اندر معرفت پیدا ہو جائے گی تو نماز میں فرق آئے گا، ہماری عبادتوں میں فرق آئے گا، ہمارے روزوں میں فرق آئے گا، ہماری سوچ میں فرق آئے گا، ہماری فکر میں فرق آئے گا. لہذا تقوی کی 46ویں صفت امام متقی کی فرماتے ہیں، حرصاً فی علم، یہ حریص ہے متقی، لالچی ہوتا ہے کہاں سے کیا علم حاصل ہو جائے، کہاں سے کیا معلومات حاصل ہو جائے. تو وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتَ فِي الْبَحْرِ، اس طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے جو کچھ مخلوق آسمانوں میں ہے، جو کچھ مخلوق زمینوں میں ہے، حتى الحوت في البحر، یہاں تک کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں بھی علم حاصل کرنے والے. آپ لیٹے مطالعہ کر رہے ہیں زندگانی علی کا، سمندر میں مچھلی کہہ رہی ہے استغفر اللہ، استغفر، خدا اس بندے مومن کو معاف کر دے، اس بندے مومن کی مغفرت فرما. یہ ہے طلب علم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، جانکار کی فضیلت، عالم کی فضیلت نا جانکار کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسے چودھویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہوتی ہے على سائر النجوم، بقیہ ستاروں پر. وان العلماء ورثة الانبیاء، یہ علم حاصل کرنے والے، یہ علماء ورثة الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینار ولا درہم، انبیاء دینار و درہم چھوڑ کے نہیں گئے، ولیکن ورثوا العلم، انہوں نے علم چھوڑا ہے. فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر، جس نے تھوڑا سا بھی حاصل کر لیا انبیاء کے علوم میں سے، اس نے گویا بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. یہ علم کی عظمت، اور جتنی اس کی عظمت ہے اتنا ہی صاحب علم کی بھی عظمت ہو جائے گی. اسی لیے اگر کسی نے ہم کو پڑھایا، اگر کسی نے ہم کو علم دیا، بتائے امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب فقرہ ہے مولا سلام اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا، ایک لفظ اگر کوئی مجھ کو بتا دے تو اس نے مجھ کو اپنا بندہ بنا لیا، اپنا عبد. یعنی اس قدر عظمت ہے، اس قدر اہمیت ہے. ہندوؤں میں بھی آپ دیکھیے استاد کی اس قدر عظمت ہے. ایک شعر میں آپ کو سناؤں، پتہ نہیں شاید نام سنا ہوا آپ نے، کبیر داس کا، کبیر داس کے وہ دوہے بہت مشہور ہیں، عظمت استاد نے اس کا شعر مجھ کو بہت اچھا لگتا، بچپنے سے یاد کیا ہمیں. گرو گوبند دو کھڑے کاکو لاگو پاؤں، کاکے لاگو پاؤں، میری ہندی کوئی بہت اچھی نہیں ہے لیکن گرو، گرو مانے استاد، گوبند یعنی نا، گوبند یعنی اللہ، نہیں بھگوان الگ چیز ہے. دیکھیں ایشور الگ چیز ہے، بھگوان الگ چیز ہے، ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، بھگوان مختلف ہے. جو ایشور سے نزدیکی کا سبب بنتے ہو، توسل بنتے ہو، وسیلہ بنتے ہو، ایک الگ چیز ہے. گوبند یعنی اللہ. کہتے ہیں گرو گوبند دو کھڑے کا کے لاگو پاؤں، فرض کرو اللہ اور استاد دونوں آ گئے، پہلے کس کا احترام کروں، اللہ کا کہ استاد کا؟ عجیب سوال اس کا ہے. دوسرے میں مصرع کہتا ہے بلی ہاری گرو آپ نے گوبندیو بتایا، لیکن شکریہ آپ کا استاد، آپ ہی نے تو بتایا کہ اللہ کیا ہے،
आप गौर फरमा रहे। तो एक आदमी कबीरदास ये समझ रहा है कि जो अल्लाह की शिनाख्त करवाए वो कितना अजीम होता है। आज मुसलमान है कि जिस अली ने गले में रस्सी का पंदा डलवा दिया इस अजमत इलाही के लिए, जिस पैगंबर अकरम ने कूड़े खाए, पत्थर खाए, साहिर कहा गया, जादूगर कहा गया, दीवाना कहा गया, आज उसकी जरीर को चुभना बेदात है। वो इंसान मर गया, खत्म हो गया तमाम से, माज़ल्लाह, अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। भाई उस्ताद उस्ताद है, मुअल्लिम मुअल्लिम है, पैगंबर भी मुअल्लिम है। जब आम मुअल्लिम का आलम यह कि मन अल्लमनी हरफन फकद सय्यरनी अब्दा, जिसने एक लफ्ज की हमको तालीम दी उसने हमको बंदा बना लिया, तो पैगंबर अकरम मुअल्लिम कायनात बन के आए हैं, सारी कायनात उनकी अब्द है, सारी कायनात उनकी बंदा। अमीरुल मोमिनीन मुअल्लिम कायनात है, सारी कायनात उनकी अब्द और बंदा है। ये जानते ये सारी शिनाख्त कब आएगी, जब हम खुद इल्म हासिल करेंगे। जब तक इल्म हासिल नहीं होगा तब तक उलमा की अजमत का अंदाजा कैसे हो सकता है। और वाकई आलिम कौन है, आलिम बेहत अलैहिस्सलाम। एक हदीस सुना करके, क्या बताया आपने, 52 चार पांच मिनट। इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्न मिन हक्किल आलिम, अगर तुम्हारी बस में कोई आलिम हो तो उसका हक क्या है, उलमा का हक क्या है। इससे अंदाजा कीजिए कि अहले बैत जो वाकई हकीकी आलिम है उनकी अजमत क्या होगी। फरमाते हैं, इन्न मिन हक्किल आलिम अल्ला तकसिर अलैहि सुआल, आलिम का हक तुम्हारे ऊपर यह है कि उससे ज्यादा पूछताछ मत करो, उससे ज्यादा सवाल मत करो। वला ताखुज़ बिसौबे, हुजूर अरे मौलाना साहब उसका कपड़ा पकड़ कर उसको खींचो, यह हदीस है इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैहि। وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ, अगर तुम किसी आलिम के पास जाओ और कई लोग बैठे हों, فَسَلِّمْهُمْ, तो सबको सलाम करो, جَمِيعًا وَخُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ دُونَهُمْ, उसको स्पेशल अलग सलामुन अलैकुम सलाम अलग से, क्यों, तहियतन उसके इल्म की बुनियाद। وَأَجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ, आलिम के सामने बैठो, وَلَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ, आलिम के पीछे मत बैठो, वला तो मिल बेनेक, आंखों से इशारा मत करो, वला तो शिर बेदेक, ये मौलाना हाथों से इशारा मत करो, वला तुकसिर मिन कौल काला फुलान व फुलान खिलाफन ले कौले, अगर आलिम तुम्हारा कोई बात कह रहा अजीब है और तुम्हारे जहन में किसी बड़े आलिम से ही, किसी अच्छे आलिम से ही का कौल उसके कौल के खिलाफ है, इमाम फरमाते उसके मुंह पर मत कहो कि फला ने तो ये कहा है, फला ने तो ये कहा है, फला ने तो ये कहा। वला तकुल काला फलानुन व फलानुन खिलाफ लकौले, इसके कौल के खिलाफ उसको मत रोको कि साहब फला ने तो इस तरह कहा है। वला तब जब दूल सोहबते, बहुत देर उस आलिम के पास मत बैठो, पता नहीं उसको क्या कहो, क्या जरूरत हो, जाओ सलाम करो चले रहो। बतूल सोहबते फइन्नमा मसलुल आलिम मसलुन नहला, इमाम फरमाते मियां आलिम की मिसाल खजूर के दरख्त की है, यूं तो खजूर के दरख्त मौजूद है उसके नीचे बैठे रहो चुपचाप, गिर जाएगी खा लेना चले जाओ, उससे तुमको कसरत सवाल का हक नहीं है। मसलुन नखला युंतज़र बिहा मता यस्कुत अलैहा मिन्हा शय, आदमी इंतजार में रहता कुछ गिर जाए तो हम तो आलिम की हैसियत ही है, उसके सामने बैठो इंतजार में रहो कि क्या वो फरमा दे और क्या जो है वो हमको हासिल हो जाए। हकीकी जब एक आलिम का इस तरह आलम यह है, और जो लोग वाकई आलिम, एक रिवायत में सुना दो रहमत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत है, फरमाते हैं यगदुन नास अला थलाथति असनाफ, लोगों के तीन किस्में हैं, आलिम व मुतअल्लिम व गुफा, एक किस्म है आलिम की, दूसरे लोग होते हैं जो मुतअल्लिम है, हम स्टूडेंट जिसकी ताकीद इतनी की गई है कि फरिश्ते पर बिछाते हैं, और तीसरे किस्म है गुसा। अरे इमाम फरमाते आलिम कौन है, फरमाते फन्नहनुल उलमा, इमाम फरमाते आलिम से मुराद हम हैं, वशीअतुना अल मुतअल्लिमून, हमारे शिया ये सब क्या है, स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। और ये क्या हो रहा है, हम पढ़ नहीं रहे तो और क्या रहेंगे मामले सलाम के अहादीस से, वशीअतुना अल मुतअल्लिमून, हमारे शिया तालिब इल्म है, वसाइरुन नास गुसा, गुस्सा कहते पानी पर बहते हुए खशो खाशाक, इमाम फरमाते हैं बाकिया पब्लिक पानी पर बहते हुए छीलते खशो खाशाक है,
यानी जो दरिया अलेवन से वाबस्ता नहीं उसकी कोई औकात नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। रमजान आज तमाम हुआ, आप तमाम हजरात को ईद की मुबारकबाद। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक जिस कदर इल्म की अहमियत परवरदिगारा हम सबको तौफीक अता फरमा, रोजाना नहीं वक्त है आधा घंटा सही तारीख अहले बैत अहादीस अहले बैत पढ़ने की, इसलिए कि फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं, समंदर की मछलियां इस्तिग़फ़ार करती हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। आज की शब बड़ी अहम शब है, रात में रिवायात देख रहा था नेट के ऊपर ईद के सिलसिले में, तो एक रिवायत नजर से गुजरी गई जिसमें इमाम ने फरमाया कि रातों में अफजल तरीन रातें कौन है, फरमाया शब जुमा 21 और 23 और शब फित्र। शब फित्र यानी शब फित्र को शब कद्र के बराबर में कहा गया, और आज की रात भी क्या है, आज की रात जितना इंसान जाग सके बेदार रह सके दुआ और इबादत में गुजार सके इंसान की अपनी तौफीक है, बजाय इसके कि वो पिछले साल कहां ले गए थे हमको उस जगह का क्या नाम था है? हाँ कहीं ले गए थे ये लोग, बजाय इसके कि इंसान वहां जाए 50 नाम है हरम के ऊपर, खुदा ने जैसा पूरा महीने गुजरे नहीं निकला मेरे पास नहीं निकला मैंने, कि बजाय इसके के साथ रोजा 30 दिन रोजा रखने के बाद जा करके नाम हरमों पर नजर पड़े। आज की रात अल्लाह करे परवरदिगार आलम हम सबको दुआ इस्तिग़फ़ार तौबा की तौफीक इनायत फरमा, इसलिए कि ये रात जायजे की रात है, ये रात इनाम की रात है, जिसने 30 दिन रोजा रखा वो आए आज की रात, अल्लाह कहता है फरिश्तों बताओ मैं क्या दूं इनको, परवरदिगार शबे ईद फितर इसकी बरकतों से हमको महरूम न फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।